वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियोस में हम लोग अपने फ्लोर प्लान में कॉलम का लेआउट्स करने वाले हैं। ओके, हम कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट्स प्लान और उनका डायमेंशन साथ में उसका टैगिंग भी हम लोग करेंगे। ओके, कि कौन सी कॉलम हमारी कौन सी साइज की है, C1 C2 ऐसे हम टैग करेंगे और C1 की क्या साइज है, C2 की क्या साइज है, तो इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से अपने फ्लोर प्लान में डेकोरेट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कॉलम बनाने के लिए हम लोग जनरली ब्लॉक का यूज करते हैं। ओके, बट हम लोग ब्लॉक जब बनाते हैं पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें हैच कर लेंगे। ओके, के बाद हम लोग उसे ब्लॉक के फॉर्मेट में कर देंगे, यानी हमारा जो कॉलम होगा एक ब्लॉक में बन जाएगा। जिधर भी हमें अगर मूव वगैरह करना है तो हमें लाइन अलग और हैच अलग सो ऐसे नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग इसलिए ब्लॉक के फॉर्मेट में कर लेते हैं अपने कॉलम्स को। ओके, और काफी वो अट्रैक्टिव भी शो करता है हमें। तो हम लोग सबसे पहले एक ब्लॉक बना लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कॉलम की साइज की बनाते हैं, उसी साइज का हमें एक रेक्टेंगल बना लेना है। जैसे कि REC एंटर करता हूं मैं, और उसके बाद में मैं यहां पे 9 इंच देन टैब प्रेस करता हूं यहां पे, और मैं यहां पे 18 इंच का एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। ओके, रेक्टेंगल बनाने के बाद हम लोग इसमें हैच करेंगे। हैच करने के लिए एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में इस पे क्लिक कीजिए रेक्टेंगल के अंदर। उसके बाद यहां से आप सॉलिड कर दीजिए इसे, जो भी कलर का रखना चाहते हो आप रेक्टेंगल का सॉरी ब्लॉक का कलर दे सकते हो। याद रखिए आपको ब्लॉक बनाने से पहले आपको अपना कलर डिसाइड करना होगा। ओके, जैसे कि मैं यहां पे रेड कर लिया हूं, उसके बाद यहां से ओके कर देंगे। अब हमारा देख सकते हो ये कॉलम बनके रेडी हो चुका है। अब लेकिन हम जब जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा लाइन शो कर रहा है अलग, रेक्टेंगल हमारा जो ये हैचिंग है वो अलग शो कर रहा है। ओके, तो हमें मूव करने में ये प्रॉब्लम करेगा। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे इसे एक ब्लॉक के फॉर्मेट में कर लेंगे। और ब्लॉक के फॉर्मेट में करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, बी एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में। ओके, और कोई भी एक नाम दे दीजिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। जस्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक के फॉर्मेट में हो जाएगा यहाँ पे, देख सकते हो। अब आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो कहीं भी क्लिक करो आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे, सीओ एंटर करेंगे। ओके, और इस वाले पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, इस वाले कॉर्नर के पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और जो हमारा ये वॉल है वॉल के इस कॉर्नर पे हम क्लिक कर देंगे। याद रखिए अगर कोई भी कॉर्नर आपको शो नहीं कर रहा है तो जस्ट आपको यहाँ से स्नैप में आना है। ओके, और इन सबको ऑन कर दीजिए, आपको सारे पॉइंट शो करने लग जाएंगे, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, उसके बाद में जहां जहां भी आपको कॉपी करके रखना है ऑब्जेक्ट को वहां रख सकते हो। सो ये एंटर करता हूं मैं यहाँ पे, उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके मैंने जैसे यहाँ पे रख दिया। ओके, ऐसे ही आप प्लेस कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पे रखना है तो जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एम एंटर कीजिए। अब हम लोग इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ऐसे ही क्लिक करेंगे। ऐसे हमें कॉलम देने से हमारा फायदा ये है कि जो हमारा कॉलम है वो ब्रिक वॉल के बाहर नहीं आएगा। ओके, बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा, तो ये काफी बेटर शो करेगा। और भी जहां जहां भी आपको कॉलम चाहिए आपको कॉलम प्लेस कर लेना है, राइट। ओके, ऑलराइट मैंने यहाँ भी प्लेस कर लिया। ओके, उसके बाद यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं हम। ओके, इसको जस्ट मूव कर देता हूँ, एम एंटर, और इस पॉइंट पे क्लिक और इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। जस्ट इसके लाइन ये देख सकते हो मूव हो चुका है, राइट। उसके बाद फिर से हमें कॉलम को और भी जगह पे प्लेस करना है तो जस्ट कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, अभी देख सकते हो सिलेक्ट हो गया, सीओ एंटर कीजिए, इस पॉइंट पे अभी हम क्लिक करेंगे। ओके, और लाके हम लोग यहाँ पे इसे प्लेस करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग यहाँ प्लेस कर दिया जैसे मैंने, उसके बाद में फिर से यहाँ प्लेस करेंगे। ओके, बट यहाँ हम इतना बड़ा कॉलम नहीं प्लेस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कॉलम प्लेस करेंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पे तो स्लैब आएगा बट इधर स्लैब हमारा पूरा नहीं आएगा, तो यहाँ पे लोड बहुत कम पड़ेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा यहाँ पे कॉलम शो करेंगे। और फिर हम इधर जो बाउंड्री हमारा रहेगा ये इसमें भी हम थोड़ा सा छोटा साइज का कॉलम शो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस कॉलम को अब मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। अब दूसरा कॉलम बनाएंगे, दूसरा कॉलम बनाने के लिए REC एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, फिर मैं 9 इंच यहाँ पे दे देता हूँ, उसके बाद मैं टैब प्रेस करेंगे और 1 फीट अभी देख सकते हो हमारा 9x12 का कॉलम रेडी हो चुका है, 9 इंच बाई 1 फीट का। इसको दोबारा से हैच कर लेता हूँ मैं। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, बी एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है नाम से। और देख सकते हो ये फिर ब्लॉक के फॉर्मेट में हो गया है, सीओ एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और इसको कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर अगर चाहें हम तो रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने से हमारा फायदा ये होगा कि हमारे जो वॉल है वॉल में एजेटीज ये इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो हम इसे रोटेट कर लेंगे, पहले एक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं रोटेट करूंगा, एक कॉपी कर लिया मैंने, आर एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और जस्ट ऐसे इसे रोटेट कर लीजिए, एम एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सॉरी सीओ एंटर करेंगे क्योंकि हमें काफी जगह पे प्लेस करना है, तो सीओ एंटर करेंगे। ओके, अभी देख सकते हो हमारा जो कॉलम आ रहा है हम इसको ऐसे अलाइन कर करके प्लेस कर देंगे। अभी देख सकते हो हमारा कॉलम जो है ये बेटर शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये अच्छे से भी नहीं हुआ है मूव, तो जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए और इस पॉइंट पे लाके आप रख दीजिए। ओके, देख सकते हो अभी बेटर शो कर रहा है। ओके, सीओ एंटर कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सीओ एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक, उसके बाद में इस वाले पॉइंट पे हम क्लिक कर देंगे। अभी देख सकते हो ये काफी बेटर लग रहा है, हम एक कॉलम यहाँ बीच में भी देंगे। ओके, तो बीच में देने के लिए कॉलम को हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा ये नीचे का लाइन है इसका हम लोग सेंटर लाइन ढूंढेंगे कि
इसका मिड पॉइंट कहाँ पे, जैसे यहाँ इसका मिड पॉइंट मिल रहा है, तो जस्ट इस पे क्लिक कीजिए। अब आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो मिड में नहीं है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, जस्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, एम एंटर कीजिए और ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट से लाके और फिर आप यहाँ पे रख दीजिए जो हमारा लाइन का मिड पॉइंट है। अब हमारा ये वॉल का मिड पॉइंट आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग जो हमारा ये वर्टिकल है इसको हम लोग एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कॉलम को प्लेस करने वाले हैं। तो एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में CO एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए आप। उसके बाद में हम लाके इसको यहाँ पे प्लेस, राइट, अभी देख सकते हो हमारा कॉलम आ चुका है, काफी बेटर लग रहा है। यहाँ पे हमें कॉलम को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी कॉलम प्रोवाइड नहीं। उसके बाद जस्ट हम आ जाएंगे पीछे की तरफ, सॉरी फ्रंट की तरफ, और फ्रंट की तरफ आएंगे तो फिर हम यहाँ भी कॉलम को प्लेसिंग करेंगे। कॉलम के प्लेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ, एम एंटर करता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक, इस पॉइंट पे क्लिक, अभी देख सकते हो ये मूव हो चुका है। दोबारा से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ओके CO एंटर, अब हम लोग इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, या अगर हम चाहें तो यहाँ पे रोटेट करके हम रख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा ये जो वॉल है वॉल में ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, हमारा कॉलम जो ये बाहर निकल रहा है ये हमारा बाहर नहीं निकलेगा। ओके, अभी हमें यहाँ भी कॉलम प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे स्टेयर पे और यहाँ पे डोर भी है हमारा, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वीक होगा, इसलिए हम यहाँ भी एक कॉलम को प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे हम थोड़ा छोटा साइज का भी कॉलम ले सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे यहाँ पे छोटा साइज का कॉलम लेने के लिए। जस्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर करूंगा मैं, ओके, और मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक और यहाँ पे लगे हमने प्लेस कर दिया। अभी देख सकते हो हमारा कॉलम प्लेसिंग काफी बेटर हो चुका है, देख सकते हो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी कॉलम्स को हम सबसे पहले तो इसको लेयर में भी बना सकते थे, बट हमने लेयर में नहीं बनाया। लेयर में कैसे बनाते हैं, इन सारी चीजों पे मैं अलग से काफी सारी वीडियोस को अपलोड कर रखा हूँ, आप जाके उन सारी वीडियोस को देख करके और अच्छे से समझ सकते हो, सीख सकते हो। ओके, तो हम लोग इसमें तो लेयर नहीं बनाएंगे, बट हम नेक्स्ट जो प्लान करेंगे उसमें A to Z सारी वर्क करेंगे, बट वो लेयर वाइज करेंगे। ओके, जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते जाएंगे उसमें लेयर बनाते जाएंगे हम लोग। फिलहाल चलते हैं हम लोग इस वीडियो में इन सारी कॉलम्स का सेंटर लाइन ड्रॉ करने। ओके, तो सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इन सारी कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है, बारी बारी से आप कॉलम पे अगर जैसे कर्सर लेके जाएंगे तो आपका जो कॉलम है वो हाईलाइट होगा, ये जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो हाईलाइट होगा, जैसे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, जैसे ही हाईलाइट होगा आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे भी हैच हाईलाइट हो रहा है, तो कर्सर को थोड़ा सा मूव करता हूँ तो देख सकते हो मेरा हैच हाईलाइट हो गया। अब हैच पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ अभी सिलेक्ट हो गया मेरा। ओके, तो ऐसे आप ध्यान से कर सकते हो, या फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका गलती से अगर सिलेक्ट हो जाता है, जैसे कि मेरा यहाँ पे देख सकते हो हैच सिलेक्ट हो गया, तो अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करो आप और दोबारा से आप क्लिक कर दो माउस से। ओके, जैसे यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, देख सकते हो हमारा हैच जो है डिसलेक्ट हो गया, अब फिर से लेके जाएंगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वापस से, जैसे कि मेरा यहाँ सिलेक्ट हो गया, तो शिफ्ट को प्रेस कीजिए, माउस से क्लिक कर दीजिए उस ऑब्जेक्ट। अब ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हाँ अब हो रहा है, थोड़ा सा कॉर्नर पे लेके जाएंगे हम तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है शो करेगा। फटाफट से मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को अपना सिलेक्ट कर लिया, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं देख सकते हो मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे CO, उसके बाद एंटर कीजिए और आप कहीं से भी क्लिक करके और इन सारी कॉलम्स को एक बार बाहर कॉपी कर लीजिए। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमारा बाहर कॉपी हो गया हमारा सारा कॉलम, अब एक बार क्लिक कर दीजिए, उसके बाद एस्केप बटन को प्रेस कर दीजिए, आप कमांड से बाहर आएंगे, उसके बाद REC एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में। ओके, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लीजिए, एक कॉर्नर से लेके और यहाँ पे दूसरे कॉर्नर तक, देख सकते हो हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है, यानी हमारा एक प्लॉट बन गया है और हमारे प्लॉट के अंदर जितने भी हमारे कॉलम्स हैं वो सारे आ चुके हैं। ओके, हम यहाँ से अगर चाहें लेयर को तो लेयर भी चेंज कर सकते हैं, बट हम कॉलम के लिए हमने कोई लेयर्स नहीं बनाया है, इसलिए हम यहाँ पे लेयर्स वगैरह का कोई काम नहीं करेंगे, बट हम लाइन वेट का काम जरूर करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे देख सकते हो जो ये लाइन है ये काफी लाइट वेट में है, तो हम इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें जाएंगे यहाँ पे लाइन वेट का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, और सॉरी यहाँ पे लाइन वेट यहाँ पे 30 कर लेता हूँ तो अभी डार्क शो कर रहा है, काफी अच्छे से विजुलाइज हो रहा होगा आपको। अपना सेंटर लाइन दो तरीके से बना सकते हैं, एक हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन है और दूसरा हमारा मैन्युअली लाइन है, जैसे कि L4 मैंने लाइन लिया। ओके, अब मैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक लाइन बना लेता हूँ, ऐसे लाइन बनाएंगे, उसके बाद इस लाइन की जो साइज है उसे इंक्रीज कर लेंगे दोनों साइड, ऐसे टेक्स्ट डालने के लिए ये थोड़ा सा आउट जा रहा है, वैसे इंक्रीज कर लेंगे, या फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करें। कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करना काफी बेटर है और काफी सिंपल है, काफी हेल्पफुल होता है कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करके। ओके, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करने के लिए XL एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, कंस्ट्रक्शन लाइन का जो कमांड है एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब आपको ये पूछेगा कि आपको जो है जो लाइन चाहिए वो कितना, सॉरी हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। अगर आपको लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप अपने कीबोर्ड में H एंटर कीजिए, देख सकते हैं हमारा जो लाइन है हॉरिजॉन्टल आने लग गया है। ओके, अब जहां भी हम क्लिक करेंगे वहां पे हमारा लाइन बनता जाएगा। ओके, देख सकते हैं ये लाइन हमारा पूरे वर्क स्पेस में रहेगा, आप कितना भी दूर जाओ ये लाइन खत्म ही नहीं हुआ। ओके, तो हम इस लाइन को इरेज कर देते हैं सबसे पहले, तो लाइन को सिलेक्ट, इरेज, ई बटन को प्रेस कर दीजिए, इरेज हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन
लाइन लेंगे, एक सिलेंडर खींचे अपने कीबोर्ड में, और जैसे भी आपको लेना है लाइन, जैसे अगर वर्टिकल लेना है तो हम वी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकल फॉर वी, हॉरिजॉन्टल फॉर एच, एंगल में लेना है तो ए एंटर कीजिए आप, ओके, या फिर बाइसेक्ट करना है तो बाइसेक्ट कर लीजिए, ऑफसेट करना है तो एंटर कीजिए, बट मुझे यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है, तो मैं वर्टिकल पहले ले लेता हूँ, वी एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, और जितने भी आपके कॉलम्स है इन सबके आप सेंटर में एक एक लाइन डाल दो, ओके, बट इन सबके सेंटर में लाइन नहीं रहेगा, सारा लाइन मैं बता रहा हूँ अभी, सबके सेंटर में हम लाइन डाल देंगे, जितने भी देख सकते हो हमारे जो वर्टिकल कॉलम, जितने भी हमारे देख सकते हो कॉलम्स है उनमें वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके, यहाँ पे बच रहे हैं मैं इन पे भी डाल देता हूँ, इनके सेंटर पे, ओके ओके, एक कॉलम हमारा यहाँ बच रहा है मैं इस पे भी डाल देता हूँ, ओके, मैं इस कॉलम को थोड़ा सा मूव कर दूंगा क्योंकि ये सेंटर में नहीं है यार, तो मैं इसको मूव करके, और यहाँ देख सकते हो ये हमारा सेंटर, देख सकते हो कि मैंने जितने भी हमारे कॉलम्स हैं सबके लिए मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया है, ओके, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक्स एल एंटर कीजिए, एच एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, और सबके लिए एक लाइन बना लीजिए सबके सेंटर से, जैसे कि इस कॉलम है, इस कॉलम का मैं सेंटर से नहीं लास्ट वाले पॉइंट से मैं लाइन बना लेता हूं, जितने भी हमें आउटर है उनके लिए लास्ट से ही बनानी चाहिए हमें, बट हमने इन दोनों के लिए सेंटर से कर लिया है, नो डाउट उसको भी हम ठीक कर लेंगे, यहाँ पे सेंटर से कर देंगे, उसके बाद यहाँ से हम सेंटर से करेंगे, यहाँ भी मैं सेंटर कर देता हूँ, यहाँ भी सेंटर कर सकते हैं हम, यहाँ भी हम सेंटर करेंगे, ओके, अब हमारा यहाँ पे लाइन बनके ऑलरेडी रेडी हो चुका है, अब जो हमारा ये आउटर का रेक्टेंगल है, एक हमारा हमने पहले जो रेक्टेंगल बनाया था यहाँ पे देख सकते हो, इस रेक्टेंगल को आप 5 feet ऑफसेट कर दो, एंटर एंड 5 और फिट का साइन बोल, रेक्टेंगल पे क्लिक, यहाँ पे देख सकते हो रेक्टेंगल पे क्लिक और बाहर क्लिक, अभी हमारा देख सकते हो ये जो बिग बॉस है ये काफी छोटा शो कर रहा था, हम इसको बड़ा कर सकते हैं, ओपी एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्शन में जाओ आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बिग बॉस का, यहाँ पे ग्रिप का, उसके बाद में अप्लाई, तो हमारा ग्रिप काफी बेटर शो कर रहा है और बिग बॉस भी हमारा काफी बेटर शो करने लग जाएगा, वो एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, उसके बाद हम लोग यहाँ से 4 feet कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, 4 एंड फिट का साइन बोल, यहाँ पे देख सकते हो लाइन पे क्लिक, फर्स्ट लाइन पे क्लिक जो हमारा रेक्टेंगल है और बाहर क्लिक, देख सकते हो हमारा जो है लाइन रेक्टेंगल आ गया है बाहर, ओके, तो हम क्या करेंगे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, टी आर एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, और जो हमारा ये जितने भी आउटर लाइन है इन पे हम ऐसे ही क्लिक कर देंगे, हमारा जो लाइन है बाहर और सारा ट्रिम हो जाएगा पूरा, ओके, और हमारा अंदर का लाइन बच जाएगा, अभी देख सकते हो, अब हम क्या करेंगे जो हमारा जिस रेक्टेंगल के थ्रू हमने ट्रिम करा उस रेक्टेंगल को भी हम डिलीट कर देंगे, ओके, देख सकते हो हमारा रेक्टेंगल जो है डिलीट हो चुका है, ओके, अभी ये काफी बेटर लग रहा है, बट हम क्या करेंगे अभी जो ये जितने भी हमारे ऐसे लाइन है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जितने भी हमारे लाइन है इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके, और इनका लाइन वेट हम यहाँ से कम करेंगे, सबसे पहले 0.05 कर देता हूँ, यहाँ से लाइन टाइप में आएंगे और इनका लाइन टाइप हम लोग सेंटर कर देंगे, यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन मिल रहा होगा, सेंटर पे क्लिक कीजिए, अभी ये अगर बेटर शो नहीं कर रहा है, इनका साइज आपको अच्छे से शो नहीं कर रहा होगा, ओके, अभी देख सकते हो ये सेंटर लाइन हमारा बेटर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा सेंटर लाइन ऐसा लग रहा है कि ये हिडन लाइन है, तो हम क्या करेंगे इन सबको सिलेक्ट करेंगे वापस से, ओके, उसके बाद में फिर से मैं जो हमारा वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको भी सिलेक्ट करता हूँ, लाइन टाइप में जाएंगे और यहाँ से सेंटर टू का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका जो लाइन है वो सेंटर टू में आ जाएगा, सेंटर लाइन हो जाएगा, बट ये लाइन देख सकते हो ये काफी छोटा इसका लाइन टाइप शो कर रहा है, ओके, स्केल इसका हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है इनेबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे, लाइन को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से, यहाँ से प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उसमें अजी और नीचे यहाँ पे मिल जाएगा लाइन टाइप का, इसमें आप यहाँ से 5 कर दो आप एंटर, अभी देख सकते हो लाइन इसका वेट बढ़ गया, मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ, 10 या 15 कर देता हूँ, 15 अभी काफी बेटर शो कर रहा है, ओके, हम 15 ही रखेंगे या फिर मैं 10 कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, 10 मैं कर दिया हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है 10 पे बेटर लग रहा है, ओके हम 10 रखेंगे, अब क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी पैनल को हम क्लोज कर देंगे, ओके एस्केप बटन को प्रेस कर दीजिए, अभी देख सकते हो हमारा एक लाइन तो बन चुका है, बाकी सारे नहीं बने हैं, तो हम क्या करेंगे मैच प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मैच प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए एम ए एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, आपके सामने एक रेक्टेंगल बन गया जाएगा जिसके जैसा आपको मैच करना है, हमारा जो जिस लाइन के थ्रू मैच करना है उस पे पहले क्लिक कीजिए, और ऐसे आप जितने भी लाइन को मैच करना है उन सब पे आप ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका जो लाइन है वो मैच प्रॉपर्टी से मैच हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, ओके अब हम लोग ऐसे ही सेम इसका हो बहु बना सकते हैं मैच प्रॉपर्टी का यूज करके, राइट हमारा देख सकते हो मैच प्रॉपर्टी का यूज करके हमारा जो लाइन का टाइप है वो चेंज हो रहा है, अभी देख सकते हो अप्रॉक्स हमने सभी लाइन को अपना चेंज कर लिया मैच प्रॉपर्टी के थ्रू, तो एक जैसा कर लिया सेंटर लाइन में, अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इनका नेमिंग देने के लिए यहाँ पे ए बी बनाएंगे, ए बी सी डी ऐसे ही बनाएंगे, और यहाँ पे 1 2 3 करेंगे ताकि इनका नाम हम लोग डिफाइन कर पाए, तो हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे, सी एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, ओके और ऐसे 8 inch का आप एक सर्कल बना लीजिए, 8 inch का सिंबल यहाँ पे हमारा सर्कल बनकर रेडी हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट डालने के लिए टी एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, ऐसे आप टेक्स्ट डाल दीजिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे ए डालना है, मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जो हमारा टेक्स्ट है, और मैं यहाँ पे 6 inch इसका थिकनेस हाइट दे देता हूँ ऑब्जेक्ट का, उसके बाद में हम लोग इसका कलर भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से इसका कलर ये दे देता हूँ, ओके और इसके चाहे हम लोग तो बैकग्राउंड वगैरह भी दे सकते हैं, लेयर भी दे सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं, मैं सेंटर कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं क्लोज, अभी देख सकते हैं हमारा सर्कल जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये काफी छोटा शो कर रहा है, तो हम इसको और थोड़ा बड़ा कर देंगे, सिलेक्ट कीजिए इसे, उसके बाद मैं यहाँ पे 8 orange का सिंबल देता हूँ, एंटर करता हूँ तो अभी थोड़ा सा बड़ा शो कर रहा है, मैं यहाँ से 9 inch कर देता हूँ, 9 orange का सिंबल अभी बेटर शो कर रहा है, ओके 9
इंच का सिंबल एंटर और सॉरी 9 इंच का सिंबल एंटर। अभी देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये टेक्स्ट अभी बेटर शो कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले मैं मूव कर लेता हूँ क्योंकि हमें तो और जगह कॉपी करना नहीं है, तो हम मूव कर सकते हैं। देख सकते हो मैंने मूव करके और सर्कल के सेंटर में रख दिया। अब क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे दोनों को, सीओ एंटर करेंगे और इस वाले पॉइंट से हम चाहें तो यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी देख सकते हो हमारा जो सर्कल है वो तो बेटर स्पेस जगह पे, बेटर जगह पे ऐसे ये अभी नहीं प्लेस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एम एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में और माउस का जो आपका ये जो आपका सर्कल है, सर्कल का जो लास्ट पॉइंट होगा इस पे क्लिक करके यहाँ पे कीजिए। अब देखिए ये बेटर शो कर रहा है। ओके, हम क्या करेंगे, अब सबको कॉपी कर देंगे, सारी जगहों पे कॉपी कर देंगे। ओके, सीओ एंटर करेंगे, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, और जितने भी हमारे लाइन्स है इन सबके लाइन के हेड पे हम लोग इनको प्लेस कर देंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग इनका नाम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके, जैसे ए है सिर्फ हमारा, तो हम ए बी वगैरह डाल देंगे, जो भी नाम आएगा हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे सब जगह पे ए आ गया है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसका नाम एडिट कर देंगे। मैं यहाँ पे बी डाल देता हूँ। ओके, बी एंटर के बाद ये बी को सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेंगे ताकि बेटर शो कर पाए। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पे हम सी करेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद देख सकते हो ये बेटर शो कर रहा है। हम यहाँ पे डी डाल देंगे, ऐसे ही आपको नाम को एडिट कर लेना है। अभी देख सकते हो जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है उनको हमने प्लेस कर लिया है और इनका नाम भी हमने इरेज कर दिया है, सॉरी रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे नाम हमने डिफाइन कर लिया। अब हम जैसे ही हमारा जो ये वर्टिकल लाइन्स हैं और सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनका भी हम लोग नाम डिफाइन करेंगे, इनमें हम लोग 1, 2 डालेंगे। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करेंगे, सीओ एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट से आप क्लिक कर लीजिए अपने सर्कल को, टेक्स्ट के साथ में याद रखिए और यहाँ पे लाके आपको प्लेस कर देना है। ऐसे यहाँ पे प्लेस करते जाएंगे सबको, उसके बाद दोबारा से आपको इनमें 1, 2, 3, 4 ऐसे नाम रिप्लेस कर देना है। राइट, फटाफट से कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों नाम हमने डिसाइड कर लिया और प्लेस भी कर दिया है। अब हम क्या करें, इनको मिनर करके और यहाँ भी कर देंगे। जो हमारे टॉप के हैं उनको बॉटम में भी हमें करना है और जो हमारे लेफ्ट के हैं उनको राइट में भी कॉपी करके करना है। तो हम कॉपी नहीं, मिरर कर सकते हैं। ओके, ये कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए जस्ट आप इसको सिलेक्ट कीजिए पूरे को, सीओ एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में और कहीं भी एक पॉइंट से आप क्लिक कर लीजिए, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट ले लीजिए आप। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो हमने गलत कर लिया। ओके, बिकॉज हमें वापिस से नहीं तो करना पड़ेगा कॉपी, तो हम क्या करेंगे, एस्केप बटन को प्रेस कर देंगे क्योंकि हमें टॉप से कॉपी करना चाहिए, बिकॉज हम जाके बॉटम में कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो लाइन है वो टॉप में आ रहा है। तो सीओ एंटर कीजिए, सर्कल के टॉप लाइन से यहाँ से पॉइंट से कॉपी कर लीजिए आप इसको और नीचे लाके यहाँ पे बॉटम में आप प्रेस कर दीजिए। देख सकते हो हमारा जो लाइन है और सर्कल है, टेक्स्ट है हमारा, ये काफी बेटर तरीके से लाइन हो गया। वैसे ही हम इसको मिरर कर सकते हैं। मिरर करने के लिए ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए आप और MI एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में। ओके, और जो हमारा ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से आपको मिरर करना है। तो रेक्टेंगल का सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए आप, और हमारा मिड पॉइंट यही शो कर रहा है यहाँ पे देख सकते हो। तो आप लाइन को जस्ट ऐसे अपने कर्सर को मूव कीजिए, एक बार बाहर क्लिक कीजिए, एंड एंटर कर दीजिए। अभी देख सकते हो हमारा जो लाइन का जो ये टेक्स्ट है हमारा, ये देख सकते हो दोनों जगह पे दोनों साइड यानी कि काफी बेटर तरीके से आ चुका है। हम लोग इनमें कॉलम का जो हमारा ये साइज है इसको डालेंगे, उसके बाद में कॉलम का जो नेम है उसको डिसाइड करेंगे, C1 C2 ऐसे करके। ओके, हम सबसे पहले इनका डायमेंशन डाल देते हैं कि दोनों के बीच के इन एक से दूसरे कॉलम के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। इसके लिए हम DLI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, इस पॉइंट पे आप क्लिक कीजिए और दोबारा इस पॉइंट पे आप क्लिक कर दीजिए, ऊपर की तरफ आप ले जाके क्लिक कर दीजिए ऐसे। अभी देख सकते हो हमारे डायमेंशन है, काफी बेटर तरीके से शो कर रहा है। अब आपको कंटिन्यू ऐसे ही शो कर देना है पूरे को, तो क्या करना है आपको, इस जो डायमेंशन है इस पे क्लिक कीजिए, इस पॉइंट पे आप कर्सर लेके आइएगा तो आपको 4 पॉइंट शो करेंगे यहाँ पे, स्ट्रेच, कंटिन्यू डायमेंशन, बेसलिन डायमेंशन, उसके बाद में फ्लिप एरो आ रहा है। तो हम कंटिन्यू डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हैं इन सब पे हम क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सिर्फ मैं क्लिक करता हूँ हमारा डायमेंशन ऑटोमेटिक ये बढ़ता जा रहा है। राइट, और हमारा देख सकते हो जो हमारा ये लाइन है, ये हमारा लाइन यहाँ पे गैप है हमारे सेंटर में है कॉलम के, बट हम इसको सेंटर में नहीं रखेंगे, इसको हम लोग 4.5 इंची जो हमारा आउटर है आउटर से 4.5 इंची अंदर रखेंगे। बिकॉज रीजन हमारा ये है कि हमारा जब वॉल हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, वॉल बनने के बाद जब हम मेजरमेंट करते हैं या लेआउट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग 4.5 इंची छोड़ करके और अपना सेंटर लाइन यहाँ पे बनाएंगे। राइट, तो 4.5 इंची छोड़ने के लिए सबसे पहले DI एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में और इसको मेजर कर लीजिए जो भी आपका कॉलम है। यहाँ पे देख सकते हो 4.5 इंची है क्योंकि 9 इंच का कॉलम है हमारा और 4.5 इंच ऑलरेडी छूटा हुआ है, तो बेटर है हमें यहाँ से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ भी 9 इंच का कॉलम है हमारा तो 4.5 इंच ऑलरेडी छूटा होगा। ओके, और इसका सेंटर रहने देंगे क्योंकि सेंटर से यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर रहेगा तो बेटर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें इस लाइन को मूव करना पड़ेगा, तो लाइन को मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को और लाइन को मूव सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैंने पूरे को सेलेक्ट कर लिया, अपने कीबोर्ड में M एंटर कीजिए। ओके, और लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ लाइए और 4.5 और इंच का सिंबल दीजिए, एंटर कर दीजिए, आपका जो लाइन है 4.5 इंच मूव हो जाएगा नीचे की तरफ। ओके, सेम उसी तरह इस लाइन को भी हम क्लिक करेंगे। ओके, और इस डायमेंशन को और टेक्स्ट को भी करेंगे, M एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए। ओके, एंड 4 एंड 5 इंच एंटर। अभी देख सकते हो हमारा जो लाइन है ये काफी बेटर तरीके से प्लेस हो चुका है, 4.5
1.5 इंच की तरफ ऊपर मूव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डायमेंशन डालेंगे। हमने तो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन डाल दिया, अब हम वर्टिकल डायमेंशन भी डालेंगे। अभी देख सकते हो हमारा जो लाइन है यहाँ पे, ये सारा गलत शो कर रहा है। बिकॉज रीजन ये है कि ये अलाइन नहीं हुआ, अच्छे से ये शो नहीं कर रहा है, कोई ऊपर शो कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है। तो हम लोग इन सबको डिलीट कर लेते हैं, या चाहे तो हम क्लिक करके भी कर सकते हैं, बट डिलीट करेंगे। सबसे पहले इस पे क्लिक कीजिए, इस पॉइंट पे, और कंटिन्यू कीजिए। इस पॉइंट पे क्लिक, इस पॉइंट पे क्लिक, इस पॉइंट पे क्लिक करते जाएंगे। ऐसे देख रहे हो आप, पॉइंट पे क्लिक, जितने भी आपके लाइन होंगे आप सब पे क्लिक कीजिए। अभी देख सकते हो ये अलाइन हो चुका है, बेटर अच्छे से शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारे जितने लाइन है सबका हमने डायमेंशन शो कर दिया है कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कितनी दूरी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे कॉलम्स है, इन सब के कॉलम्स की दूरी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। इसके लिए DLI एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में। ओके, उसके बाद इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए और इस कॉलम के जो सेंटर लाइन है इस पे क्लिक कीजिए। ऊपर ले जाके आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इस पे क्लिक कीजिए, इस लाइन पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू डायमेंशन। और फिर हम आके इस वाले कॉलम का जो सेंटर लाइन है इस पे क्लिक करेंगे। ओके, फिर इस वाले कॉलम का जो सेंटर लाइन है इस पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद में इस वाले कॉलम का जो सेंटर लाइन है इस पे क्लिक करेंगे। ओके, याद रखिए अभी 4.5 इंच का सेंटर जो है आपको इधर भी शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन पे क्लिक कीजिए या फिर ये नीचे वाले लाइन पे क्लिक, यहाँ पे आएंगे और कंटिन्यू डायमेंशन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। 4.5 इंच यहाँ पे भी डायमेंशन शो कर देगा। डायमेंशन को थोड़ा सा क्लिक करके और थोड़ा सा नीचे रख लीजिए आप, ज्यादा बेटर शो करेगा। ओके, सेम वैसे ही इधर भी हम करेंगे। DLI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, इस पॉइंट पे क्लिक और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, हमारा डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा। या फिर हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से डायमेंशन ले लेंगे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, हमारा देख सकते हो 4.5 इंच का डायमेंशन शो कर रहा है, बट ये ऊपर कर रहा है। हम इसको मूव करके और यहाँ पे रख लेंगे। अभी देख सकते हो हमारा जो डायमेंशन का प्लेसिंग है वो काफी बेटर हो गया है ऊपर की तरफ। हम एक बार चाहे तो यहाँ पे पूरा डायमेंशन भी शो कर सकते हैं। DLI एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में। उसके बाद में हम सेंटर से, इस वाले कॉलम के सेंटर लाइन से और इस वाले कॉलम का जो हमारा सेंटर लाइन है इसका डायमेंशन हम यहाँ ऊपर शो कर देंगे। अभी देख सकते हो हमारा जो सेंटर लाइन है और डायमेंशन है वो हमने काफी बेटर तरीके से कर लिया है। यहाँ से जैसे ही आप लाइन वेट को कम करोगे तो ये काफी अच्छे से विजुअलाइज होने लग जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन भी डालेंगे। तो वर्टिकल डायमेंशन डालने के लिए प्रोसेस सेम है। DLI एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे पहले क्लिक कीजिए आप और जितने भी आपके लाइन है सबसे पहले उनका डायमेंशन आप पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद इस वाले पॉइंट पे क्लिक और याद रखिए कंटिन्यू डायमेंशन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद जहां जहां पे लाइन का पॉइंट है उस पर आप क्लिक करते जाइए, आपका जो डायमेंशन है वो अच्छे से प्लेस होता जाएगा, राइट। और फिर हम यहाँ पे कर देंगे। अभी देख सकते हो हमारा डायमेंशन काफी बेटर तरीके से प्लेस हो चुका है। अब हम लोग इनके सेंटर लाइन का ही डायमेंशन सिर्फ डालेंगे। DLI एंटर करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे जहां हमारा कॉलम है, कॉलम का सेंटर लाइन, और ऊपर की तरफ हम क्लिक करेंगे एक बार पे। इसे मैंने यहाँ भी कर दिया। ओके, अब इस डायमेंशन पे क्लिक, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और डायमेंशन कंटिन्यू यहाँ पे मिल जाएगा, कंटिन्यू डायमेंशन का, सॉरी। उसके बाद में यहाँ पे लाइन का जो भी हमारे कॉलम का सेंटर लाइन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। हमारा डायमेंशन काफी बेटर शो कर रहा है। हम थोड़ा सा इसको चाहे तो मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के लिए जस्ट आप थोड़ा सा इसको अलाइन कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, ये ऊपर मूव हो गया है। तो वैसे यहाँ भी हम कर सकते हैं चाहे तो। ओके, यहाँ भी हमने थोड़ा सा कर दिया। अभी देख सकते हो हमारा जो सेंटर लाइन है वो काफी बेटर तरीके से प्लेस हो चुका है और काफी अच्छे से डायमेंशन भी हमारा शो कर रहा है यहाँ पे। हम एक टोटल भी डायमेंशन यहाँ पे दिखा देंगे। DLI एंटर करेंगे जिसके लिए और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम एक बार बाहर ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारा डायमेंशन देख सकते हो ये काफी बेटर शो करने लग जाएगा यहाँ पे। ओके, चाहे तो यहाँ पे अपना आउटर का भी शो कर सकते हैं, बट आउटर का हम इधर शो करेंगे। ओके, आउटर लाइन का हम डायमेंशन इधर शो करेंगे। हमने इनर का और सेंटर लाइन शो कर दिया। यहाँ भी हम 4.5 इंच का एक सेंटर शो करेंगे, जिसके लिए DLI एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, या फिर आप इसी डायमेंशन पे किसी एक डायमेंशन पे क्लिक कीजिए इसके पॉइंट पे और कंटिन्यू डायमेंशन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जस्ट 4.5 इंच का यहाँ पे डायमेंशन शो कर रहा है, इसको जस्ट आप पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद में दोबारा हम बैक साइड आएंगे और यहाँ भी सेम उसी चीज को करेंगे। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कंटिन्यू डायमेंशन, इस वाले पॉइंट पे क्लिक, 4.5 इंच का डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा। इसको पकड़ के थोड़ा सा और यहाँ पे लाकर रख देंगे, अभी बेटर शो कर रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हम डायमेंशन शो करेंगे। DLI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और यहाँ पे देख सकते हो हमारा रेक्टेंगल का डायमेंशन आ गया 30 फीट। DLI एंटर और लाइन पे क्लिक और इधर कर देंगे, हमारा 40 फीट का एक और डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हो ये शो करने लग गया। ओके, तो हमारा डायमेंशन तो हो गया। अब हम कॉलम का सेंटर लाइन शो करेंगे। कॉलम का सेंटर लाइन कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि हमारा यहाँ पे तो 4.5 इंच का सेंटर शो कर रहा है, इधर भी ये हमारा 4.5 इंच का सेंटर शो कर रहे थे। इस कॉलम का हमारा सेंटर तो पता चल रहा है कि किधर से कितना हमारा कॉलम से, और हम इस कॉलम का सबसे पहले नाम भी डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम इसका डायमेंशन भी डालेंगे, जैसे कि एक अलग टेबल बना के। उससे पहले मैं इस कॉलम का डायमेंशन डाल देता हूँ, सॉरी सेंटर लाइन बता देता हूँ इसका सेंटर लाइन क्या होगा। इसके लिए DLI एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट पे आपको डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक की शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे शो कर रखा है। हमने यहाँ पे शो नहीं किया है कि हमारा जो लाइन है ये कॉलम का कितना सेंटर से है। तो लाइन पे क्लिक और एक बार इधर क्लिक कीजिए, यहाँ पे चेंज का सेंटर है तो ऐसे चेंज का सेंटर शो कर दीजिए। फिर एंटर कीजिए, लाइन पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक और चेंज का सेंटर यहाँ भी है, यहाँ शो कर देंगे। एक और हमारे कॉलम है, यहाँ भी हमारा सेम डायमेंशन है, तो दोबारा हम क्लिक करके और शो कर देंगे, देख सकते हो। ओके, तो वैसे हमारे कॉलम का जो डायमेंशन है वो हमें शो करना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके हम इधर के साइड शो कर
देंगे। सेम इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ देख सकते हो ऐसे हम शो कर देंगे 4.5 इंच का हमारा डायमेंशन और 4.5 इंच का और 6 इंच का हमारा सेंटर शो करे इस कॉलम का। तो सेम इसी तरह आपको अपना जो है डायमेंशन एंटर कर देना है अपने कॉलम्स का। यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से हमारे जो डायमेंशन है इनको हम लोग प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही आपको अपना डायमेंशन यहाँ पे प्लेस कर देना है। मैं सबका डायमेंशन आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैं प्लेस करता हूँ और कैसे आपको भी प्लेस करना है। यहाँ भी हमें डायमेंशन शो करने की ऐसी जरूरत नहीं है, बट ऐसे हम डायमेंशन शो करेंगे, डीएलआई एंटर करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ओके और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और एक बार बाहर ऐसे क्लिक कर दीजिए। अभी हमारा दिख सकता है 9 इंच का सेंटर लाइन शो कर रहा है। सेम उसी तरह हम लोग फटाफट से कर लेंगे सबका, उसके बाद इस भी कॉलम का, और ये हमारे कॉलम बीच में है तो हम इसका ऐसे भी डायमेंशन शो करेंगे बिकॉज वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, नहीं तो साइडों पे। यहाँ पे हमने 4.5 इंच का डायमेंशन यहाँ पे शो कर दिया ओके और इस लाइन पे क्लिक और इधर क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ भी देख सकते हो हमारा 4.5 इंच का सेंटर लाइन, 9 इंच का सेंटर लाइन शो कर रहा है, डीएलआई एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में और फिर इसका भी हम डायमेंशन शो कर देंगे। यहाँ के बाद फिर हम इस पे क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारा 6 इंच का सेंटर इधर शो करेगा। हम इस जो 6 है इसको पकड़ के और मूव कर लेंगे यहाँ पे, बेटर शो करेगा यहाँ पे। उसके बाद हम इसका भी डायमेंशन डालेंगे, सेम प्रोसेस है, उसी तरह आपको डायमेंशन डालने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम 9 इंच का इसका डायमेंशन शो कर देंगे जो हमारा सेंटर है। हम यहाँ से कर सकते हैं, कहीं भी आप सेंटर को शो कर दीजिए, नो डाउट वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जो वहाँ पे साइट सुपरविजन होगा या साइट इंजीनियर होगा वो समझ जाएगा। डीएलआई एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, पॉइंट पे क्लिक, इस पॉइंट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4.5 इंच का हमारा सेंटर ऑलरेडी शो है ऊपर की तरफ, तो हम इसको जस्ट यहाँ पे शो करेंगे। 9 को पकड़ के हम इधर मूव कर लेंगे ओके। फिर हमारा 4.5 इंच का सेंटर यहाँ भी शो कर रहा है, तो हमें यहाँ 4.5 इंच का सेंटर शो करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऊपर भी शो कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ इस कॉलम का सेंटर लाइन शो करेंगे, डीएलआई एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में और इस पॉइंट पे क्लिक कर लीजिए, इस पॉइंट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे 9 इंच का डायमेंशन शो कर रहा है और 4.5 इंच का ऑलरेडी है हमारा। सेम उसी तरह इस कॉलम का भी हम करेंगे ओके, पॉइंट पे क्लिक और इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे 4.5 इंच का डायमेंशन हमारा शो हो गया, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ओके और इस पॉइंट पे क्लिक, 4.5 इंच का सेंटर हमारा शो हो गया। अभी देख सकते हो हमारा यहाँ भी हमें शो करने की जरूरत नहीं बिकॉज हमने ऊपर शो कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो ओके। तो हमें नो डाउट यहाँ शो करने की कोई जरूरत है नहीं है कोई जरूरत ओके। अब देख सकते हो हमने यहाँ पे सारी अपने कॉलम्स का डायमेंशन शो कर रखा है, डीएलआई एंटर करेंगे और इसका भी डायमेंशन शो कर देंगे। एक बच रहा है, यहाँ भी इसका डायमेंशन मैंने डाल दिया यहाँ पे 9 इंच, को मूव करके अंदर करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद अब देख सकते हो हमारा जो है कॉलम्स, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं सबका हमने डायमेंशन डाल रखा है। अब हम इन कॉलम का नाम डिसाइड करेंगे, C1, C2 वगैरह 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 कुछ भी डाल सकते हैं। इसके लिए टी एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, ऐसे एक लाइन बनाइए आप और यहाँ पे C1 डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो C1, इसका साइज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 इंच का साइन बॉल, नहीं हुआ था ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 इंच, अभी बड़ा शो करेगा। उसके बाद में हम इसका कलर भी दे सकते हैं यहाँ से, मैं इसका कलर दे देता हूँ ये सेम, क्लोज करेंगे इसका ओके। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, आरईसी एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, ऐसे आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ज्यादा बेटर लगेगा रेक्टेंगल के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो रहेगा तो ओके। यहाँ भी देख सकते हो ये बेटर लग रहा है, थोड़ा सा दूर अपने कर्सर को लेके जाइए और दूर से थोड़ा सा मूव कीजिए, अच्छे से प्लेस हो जाएगा। अब सी और एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में जितने भी आपके टेक्स्ट है और ये जो टैगिंग है इन सबको आपको प्लेस कर देना है ओके। जो भी साइज का सेम साइज का आपका कॉलम है उन सबके पास सेम डायमेंशन को प्लेस कर दीजिए। जो हमारा कॉलम है यहाँ पे दो ही तरह के कॉलम है, एक C1 और एक C2 हमारा होगा। C1 की हमारा साइज हो गया यहाँ पे 9 और 18, 9 इंच बाई 18 इंच, यहाँ भी मैं प्लेस कर देता हूँ ओके। 9 इंच बाई 18 इंच का कॉलम यहाँ भी है, हम यहाँ भी प्लेस करेंगे, यहाँ भी प्लेस करेंगे ओके C1, और एक अलग जाके हम 7 का डिटेल देंगे यहाँ पे। अब मैं C2 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर दिया हूँ मैं ओके। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट को और अंदर की साइड ऐसे कर देता हूँ अलाइन में, बेटर लगेगा बिकॉज यहाँ भी देख सकते हो ओके। ऑलराइट, सिलेक्ट कीजिए C1, एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में और सबको आपको कॉपी करके और रख लेना है, सबको आपको रख देना है C2 की जगह पे। जैसे मैंने यहाँ पे C2 रख दिया, C2 यहाँ भी हम C2 डालेंगे बिकॉज हमारा ये कॉलम है C2 की साइज का है, C2 ही कॉलम है हमारा, ये कॉलम है ये भी हमारा C2 ही है ओके। तो हम यहाँ भी प्लेस करेंगे, उसके बाद हमारा जो कॉलम है ये भी हमारा C2 है तो हम यहाँ भी प्लेस करेंगे ओके। ऑलराइट, उसके बाद हमारा जो कॉलम है यहाँ भी है C2 को मैंने यहाँ प्लेस किया, C2 यहाँ भी है, हमने यहाँ भी प्लेस कर लिया। उसके बाद हमारा यहाँ भी C2 है तो मैं यहाँ भी C2 को प्लेस करता हूँ। अब हमारा देख सकते हो C1 C2 हमारी प्लेसिंग हो चुकी है। अब हमारा कॉलम का जो है सेंटर लाइन का काम पूरा हो चुका है ओके। अब हम लोग सिर्फ C1 और C2 का डिटेल देंगे कि हमारा जो C1 है वो कितने बाई कितने का है। तो हम लोग यहाँ भी एक रेक्टेंगल बना के बीच में दे सकते हैं, हमारे ज्यादा कॉलम्स नहीं है तो, बट इनकेस हमारा ज्यादा कॉलम होता तो हमें टेबल बना के देना पड़ता। तो हम जस्ट REC एंटर करेंगे अपने कीवर्ड में और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे ओके। इसको मैं फ्लिट कर देता हूँ, ज्यादा बेटर लगेगा, F एंटर, R एंटर और मैं इसको 2 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ, 2 इंच का सिंबल एंटर। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे और सेकंड लाइन एंटर, फर्स्ट लाइन पे क्लिक और सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन पे क्लिक एंड सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन पे क्लिक एंड सेकंड लाइन। अब हम इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऑफसेट कर देते हैं और एंटर एंड 2 इंच का इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ, यहाँ पे बेटर लग रहा है। अब हम इसमें इसका साइज डाल देंगे, यू एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और इसको लाके अंदर रख लीजिए। अब हम देख सकते हो यहाँ पे इसका सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा C2 है इसको हम ऐसे दे देंगे कि हमारा जो 9 इंच का सिंबल इनटू और हमारा यहाँ पे ये है हमारा 1 फीट का सिंबल,
तो हम यहाँ पे 12 इंच डाल देंगे। बाहर क्लिक कीजिए आप, उसके बाद में इस एरो के थ्रू आप इसको कंट्रोल करके एक लाइन में कर सकते हो। एम एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, ऐसे आप रख सकते हो इनको। सी एंटर कीजिए, सी ओ एंटर, उसके बाद में नीचे लाके एक और प्लेस कर लीजिए, या फिर इसको हम एडिट कर देते हैं, C1 कर लेते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर से होगा तो ज्यादा बेटर लगता है कोई भी चीज। 9 और यहाँ पे 18 है, तो मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ, और सॉरी 19 हो गया, 18 कर देते हैं। अभी देख सकते हो हमारा जो कॉलम का साइज है इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम इसको मूव करके थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको एक टेक्स्ट को ऊपर करते हैं, सीओ एंटर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉलम साइज। साइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेंशन कर दिया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा मैं 5 इंच कर देता हूँ ताकि अच्छे से इसमें आ जाएगा ये। अभी देख सकते हो ये बेटर हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉलम की साइज भी अपने डाल दी। अब जो हमारा ये कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट है ये हमारा रेडी हो चुका है। आर इसी एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, और एक यहाँ से ऐसे एक रेक्टेंगल बना लीजिए आउटर आउटर में। यहाँ पे देख सकते हो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। ओके, हम थोड़ा सा नीचे तक आने देंगे यहाँ पे, वो एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, एंड 4 इंच का इसको ऑफसेट दे दीजिए आप, या 2 इंच का एंटर, 2 और इंच का सिंबल एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में, लाइन पे क्लिक, 2 इंच इसको ऑफसेट कर लीजिए। उसके बाद में हमारा जो ये टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे, सीओ एंटर, और मैं यहाँ पे लाके इसको रख लेता हूँ, बिकॉज हमें यहाँ पे लिखना है कॉलम का हमने सेंटर लाइन किया है, तो कॉलम सेंटर लाइन प्लान हम बना देंगे, कॉलम लेआउट प्लान बनाएंगे। देख सकते हो हमारा जो कॉलम का लेआउट प्लान है वो हमारा रेडी हो चुका है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कॉलम लेआउट प्लान हमारा रेडी हो गया। ओके, और हम अब इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए जस्ट आप पी एंटर कीजिए कंट्रोल पी के साथ। ओके, यहाँ पे नन है, इसको DWG2 यहाँ पे PDF मिल जाएगा आपको ऑप्शन, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपने पेपर का साइज सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी पेपर पे आप प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं A4 में कर देता हूँ यहाँ पे 210x297। उसके बाद में यहाँ से डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा आपको प्लॉट एरिया में, आपको यहाँ से विंडो कर लेना है, और जो आपको जो आपने रेक्टेंगल बनाया था आउटर उस पे आप एक कॉर्नर से क्लिक कीजिए, और दूसरे कॉर्नर पे देख सकते हो रेक्टेंगल ऐसे बन रहा है, आपको दूसरे कॉर्नर पे लाके क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से मोनोक्रोम कर लेना है, मोनोक्रोम होता है अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ से हमारा रियलिस्टिक कर लीजिए, यहाँ से ड्राफ्ट कर लीजिए। अभी देख सकते हो हमारा कैसा ही आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे पोर्टलैंड कर लेंगे, और यहाँ पे सेंटर दी प्लॉट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम प्रीवियस में जाएंगे तो हमारा देख सकते हो प्लान शो करेगा कि कैसे शो कर रहा है। ओके, देख सकते हो ये काफी बेटर शो कर रहा है अभी हमारा जो प्लान है और जो हमारा सेंटर लाइन है, बट हमने इनका लाइन थिकनेस ज्यादा रखा है इसलिए हमारे ऐसे थिकनेस आ रहे हैं। अगर हम चाहें तो इनका लाइन थिकनेस कम करके अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं। मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे और क्लोज कर देंगे इसको। पूरे सेंटर लाइन डिटेल है इसको सिलेक्ट कीजिए आप, उसके बाद में यहाँ से लाइन टाइप में जाइए और पॉइंट आप 13 दे दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। कंट्रोल पी कीजिए वापस से, उसके बाद में यहाँ पे नन मिलेगा DWG, तो यहाँ PDF कीजिए यहाँ से, फिर आप A4 साइज को सिलेक्ट कीजिए। ओके, उसके बाद में यहाँ से डिस्प्ले की जगह विंडो, डिस्प्ले विंडो करेंगे यहाँ पे, और आउटर लाइन से जो आपका रेक्टेंगल का लाइन है इसको सिलेक्ट कीजिए, और फिर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से मोनोक्रोम कर दीजिए वापस से, मोनोक्रोम है ऑलरेडी, करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते हैं आप। रियलिस्टिक करेंगे, यहाँ से हम ड्राफ्टिंग कर देंगे। ड्राफ्टिंग में जितना जूम करते हैं तो उतना जूम हो जाता है, बेटर होता है ये ड्राफ्टिंग, इसलिए हम मैक्सिमम ड्राफ्टिंग रखते हैं। यहाँ से पोर्टलैंड में कर देता हूँ, यहाँ से सेंटर दी प्लॉट है, और उसके बाद प्रीवियस में जाता हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू में सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हो अब काफी बेटर शो कर रहा है। ये हमारा कॉलम है, ये सॉलिड है और ब्लॉक के फॉर्मेट में है, इसलिए ऐसे शो कर रहा है। ये काफी जब आप प्रिंट करोगे तो काफी बेटर शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हो कॉलम लेआउट डिटेल्स हमारा 30x40 का हमारा ये प्लान है, और यहाँ पे हमारा साइज भी शो कर रहा है, हमारा ऊपर की तरफ डायमेंशन और नीचे की तरफ यहाँ पे साइड में भी डायमेंशन, यहाँ पे कॉलम का साइज शो कर रहा है। तो ये आपका जो प्लान है कॉलम का लेआउट डिटेल है, ये इसको आप साइड पे दे सकते हो, साइड पे इससे काम हो सकता है, ये पूरा कंप्लीट है। बट आपका जो कॉलम का लेआउट प्लान है इससे तो कॉलम का लेआउट हो जाएगा, बट कॉलम का इसमें डिटेल नहीं है। कॉलम्स का डिटेल का मतलब मेरा ये है कि इसमें क्या रेनफोर्समेंट लगेंगे, उनकी क्या साइज होनी चाहिए, उसका स्टिरप वगैरह कैसे आएगा, उसमें हुक्स वगैरह क्या बनेंगे, इन सारी चीजों का डिटेल भी हम अलग वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या फिर ईमेल करके पूछ लीजिए।